Hello friends, this is Sahil Roy and I welcome you all to my YouTube channel AU Commerce Scholar. Today we are going to start chapter 5 of life insurance. The name of the chapter is life insurance policy conditions. Let's start. Life insurance policy conditions, it has been divided into three parts, that is conditions related to commencement of risk, conditions related to premium, conditions related to continuation of policy. लाइफ इंश्योरेंस की तीन पॉलिसी कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन है कि कंडीशंस रिलेटेड टू कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें रिस्क कमेंस होगा, शुरू होगा. दूसरी कंडीशंस बोला गया है कि कंडीशंस रिलेटेड टू प्रीमियम, जो प्रीमियम दिया जाता है, जो लीगल कंसिडरेशन दिया जाता है, उससे रिलेटेड क्या कंडीशंस हैं. और तीसरा है कंडीशंस रिलेटेड टू कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आप पॉलिसी को कंटिन्यू करके रख सकते हैं. चलिए शुरुआत करते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं. पहले द कंडीशंस रिलेटेड टू कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, फर्स्ट पार्ट इज कमेंसमेंट ऑफ रिस्क. इसमें कहा गया है कि आपका रिस्क कब शुरू होगा, आफ्टर प्रीमियम इज पेड. सबसे पहली बात इन्होंने कहा है कि आपका रिस्क तब शुरू हो जाएगा जब प्रीमियम इज पे किया जाएगा. इफ द प्रीमियम वॉज पेड अलॉन्ग विद द प्रपोजल फॉर्म, द डेट ऑफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस विल बी द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क आफ्टर एक्सेप्टेंस रिस्क पॉलिसी इज इशूड. तो जो पहली कंडीशन बोली गई है कि जो प्रीमियम पे किया जा रहा है वो प्रपोजल फॉर्म के साथ आप पे करेंगे, और जो डेट है आपके लेटर का, जो भी एक्सेप्टेंस करती है, जो कंपनी, जो इंश्योरर है वो उसे एक्सेप्ट करता है, विल बी द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क. तो आपने जो प्रीमियम पे किया प्रपोजल फॉर्म के साथ, और जिस डेट में कंपनी ने, इंश्योरर ने उसे ऐसे एक्सेप्ट कर लिया, उसी दिन से, उसी टाइम से आपका रिस्क ट्रांसफर हो गया कंपनी के ऊपर. दूसरा है प्रूफ ऑफ एज. प्रूफ ऑफ एज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. प्रूफ ऑफ एज इसलिए जरूरी है क्योंकि रेट ऑफ प्रीमियम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एज ऑफ अश्योर्ड. फॉर डिटरमाइनिंग प्रीमियम एज इज मेजर फैक्टर. अब एज पता कैसे चलेगा? बर्थ सर्टिफिकेट से पता चलता है, सर्विस बुक से पता चलता है, स्कूल सर्टिफिकेट से या आधार कार्ड से पता चलता है. अब इसे ऐसे समझिए जैसे कि दो पार्टीज हमें मालूम है कि इंश्योरेंस में होती है, एक होता है इंश्योरर, दूसरा होता है इंश्योर्ड. इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर होता है, इंश्योरर कंपनी होती है. तो मान लीजिए कि जो इंश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेना चाहता है, और दो अलग अलग एज के लोग हैं जो इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं, इंश्योर्ड बनना चाहते हैं. एक्स जिसकी एज 30 ईयर्स है, वाई जिसकी एज 35 ईयर्स है. जो प्रीमियम होगा, हो सकता है एक्स को 2000 रुपीज पर मंथ देना पड़े, लेकिन उसी पॉलिसी के लिए वाई को 2500 रुपीज पर मंथ देना पड़ेगा. रीज़न ये है कि एक्स की जो एज है वो कम है. इंश्योरेंस के बिजनेस में होता यह है कि जिनकी एज कम होती है उनको कंपेरेटिव कम प्रीमियम देना पड़ता है, उनके जिनकी एज ज़्यादा होती है. जो लीगल एज है, जो मिनिमम एज है, वो 18 ईयर्स है. अगर यही पॉलिसी किसी ने 18 ईयर्स की एज में ले लिया तो हो सकता है कि उसे 2000 देने के जगह 1200 रुपीज़ पर मंथ देना पड़े. तो एज बहुत फैक्टर करता है, इसीलिए एज का प्रूफ कंपनी बहुत सोच समझ करके लेती है, बर्थ सर्टिफिकेट, सर्विस बुक, स्कूल सर्टिफिकेट या आधार कार्ड. अगला जो हमारा टॉपिक है, कंडीशंस रिलेटेड टू प्रीमियम. कंडीशंस रिलेटेड टू प्रीमियम पहला बोला गया है पेमेंट ऑफ प्रीमियम. रिस्क तब ट्रांसफर होता है जब एक इंश्योर्ड इंश्योरर को प्रीमियम पे करता है, और वो प्रीमियम टाइमली पे करना बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी वो रिस्क इंश्योरर के पास रहता है, वरना इंश्योरर भी कोई जिम्मेदारी नहीं देता. जो ग्रेस पीरियड मिलता है उसमें भी ये रिस्क कवर्ड रहता है. ग्रेस पीरियड के बाद अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो, और उस समय अगर कोई दुर्घटना घटती है, तो इसमें कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी. तो पेमेंट ऑफ प्रीमियम टाइमली होना चाहिए. क्वार्टरली बेसिस, मंथली बेसिस होता है, क्वार्टरली बेसिस होता है मतलब हर 3 महीने पे, हाफ ईयरली बेसिस होता है, और एनुअल बेसिस होता है. जो भी डिसाइड किया है पॉलिसी की टर्म्स कंडीशन में, आपको उस हिसाब से प्रीमियम पे करना है. दूसरा, डेज ऑफ ग्रेस, 15 डेज इन मंथली पेमेंट एंड 30 डेज इन 3 मंथ्स और 6 मंथ्स या एनुअल बेसिस पे.
कंपनी क्या करती है कि 15 दिन का आपको रिस्क कवर देती है, जिसे ग्रेस पीरियड कहा जाता है। कंपनी ये कहती है कि अगर आप मंथली बेसिस पे पेमेंट कर रहे हैं तो हम आपको 15 दिन एक्स्ट्रा देते हैं। मान लीजिए कि आप कोई रीज़न से पैसे पे नहीं कर पा रहे, प्रीमियम नहीं दे पा रहे, तो हम 15 दिन आपके रिस्क को अपने पास लेकर के चलते हैं। और वही कंडीशन 30 डेज तब हो जाती है जब आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल बेसिस पे पेमेंट करते हैं। कंपनी आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड देती है। इस बीच में अगर कोई दुर्घटना घटती है, कंपनी की जिम्मेदारी होगी। इसके बाद अगर कोई दुर्घटना घटती है और आपने पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लास्ट वाला बोला गया प्रीमियम नोटिस। प्रीमियम नोटिस में ये बात बोली जाती है कि मान लीजिए आपने 15 डेज को पार कर लिया। मंथली बेसिस पे बेसिकली कंपनीज इशू नहीं करती प्रीमियम नोटिस, ये क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल बेसिस पे, क्योंकि आप 3 महीने के बाद आप प्रीमियम जमा करते हो, या 6 महीने के बाद प्रीमियम जमा कर रहे हो, या एक एक साल के बाद कंपनी को आप प्रीमियम देते हो, तो उस बेसिस पे अगर आपने टाइम से प्रीमियम जमा नहीं किया है तो कंपनी आपके घर में नोटिस भेजेगी और ये बताएगी कि आपका प्रीमियम ड्यू है, आपको टाइम से प्रीमियम भर देना है। 30 दिन के ग्रेस पीरियड के साथ वो आपको एक लीगल नोटिस भेजेगी, जिसे आप जल्दी से पढ़ करके प्रीमियम जमा करा दें, ताकि रिस्क कवर कंपनी के पास लगा रहे। उम्मीद है आपको ये सेक्शन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। इसके अगले पार्ट में हम इसके तीसरे पार्ट को कवर करेंगे, जो लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी कंडीशंस हैं उसको। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।